वेदांता के बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता में फंसा निर्णायक मंडल बीएससी नर्सिंग को मिला प्रथम स्थान। आजमगढ़ जनपद के लक्ष्मीपुर स्थित वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में छात्र छात्राओं के बीच एक रंगोली एवं क्राफ्ट कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक रंगोली बनाकर सभी ज्यूरी मेंबर को असमंजस में डाल दिया। फैसला लेना इतना कठिन हो गया कि आखिर विजेता कौन। आखिरकार देर तक विचार विमर्श के बाद निर्णायक मंडल ने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर को प्रथम स्थान, तो वहीं जीएनएम सेकंड ईयर को द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर को गया। क्राफ्ट कला में प्रथम स्थान वेदांता हॉस्पिटल मॉडल को गया। इस दौरान वेदांता ग्रुप से संस्था के चेयरमैन डॉक्टर शीर्ष जायसवाल, जयपुरिया स्कूल के निदेशक आलोक जायसवाल, नर्सिंग स्कूल के निदेशक विशाल जायसवाल, प्राचार्य डॉक्टर रीना पांडे ने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान ऋतिक जायसवाल ने भी सभी को दिवाली की ढेरों बधाई दी और साथ ही सभी से यह अपील भी की है कि सभी ज्वलनशील पटाखों से बचे और वातावरण को शुद्ध रखे। मैं ऋतिक जायसवाल, वेदांता ग्रुप। आज वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में छात्र छात्राओं के बीच में रंगोली एवं क्राफ्ट प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें लगभग 80 बच्चियों ने प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया। सब बच्चों ने एक से एक रंगोली और क्राफ्ट बनाया और जितने भी ज्यूरी मेंबर थे सबके मन को जीत लिया। यह निर्णय ले पाना बड़ा मुश्किल था कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान किनको दिया जाए, लेकिन ज्यूरी के काफ़ी मशक्क़त के बाद प्रथम स्थान बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को गया, द्वितीय स्थान जीएनएम सेकेंड ईयर को गया और तृतीय स्थान पे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर तृतीय स्थान पाया। क्राफ्ट में बच्चों ने वेदांता मॉडल बनाया, जिसमें प्रथम स्थान वेदांता मॉडल को गया। इसके अलावा और बच्चों ने भी बहुत ही अच्छी अच्छी रंगोलियाँ बनाई, जिसे देख कर के सबका मन मुग्ध हो गया। और दिवाली लोगों से क्या, और यहाँ पर बच्चों को संस्था के चेयरमैन, संस्था के निर्देशक एवं प्राचार्य द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। साथ ही साथ हम वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं वेदांता ग्रुप की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। आप सभी से यह अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग ज्वलनशील पटाखों से बचें। ज्वलनशील पटाखे एक तो पहले आपको क्षति पहुंचा सकती है और दूसरी चीज़ ये कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। इसलिए आप सभी से यह प्रार्थना है कि आप ज्वलनशील पटाखों से बचें और दीपावली खुशीपूर्वक मनाएं, खुशहाली से मनाएं। यही मनोकामना आप सभी से है मेरी।